हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश। आप लोग देख रहे हैं एक्स वाई टेक्निकल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि यूट्यूब वीडियो एप्लीकेशन से आप लोग कॉल हिस्ट्री हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। अगर आपको भी सस्पिशन होता है कि यूट्यूब वीडियो जो एप्लीकेशन है उसके सहारा से मेरा कॉल डिटेल्स कोई और निकाल लेगा या मेरा कॉल हिस्ट्री वो एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में डाउनलोड करके वो लोग देख सकता है कि हम कहाँ कहाँ पर बात किए हैं, डायल कॉल हो या मिस कॉल हो या रिसीव कॉल हो कोई भी, तो अगर आप भी उसको डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आपका इस वीडियो देखने के बाद आपका सस्पिशन जो भी है वो खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यूट्यूब वीडियो से हम लोग कॉल हिस्ट्री कैसे निकालते हैं। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इस पर क्लिक करके हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, कॉल कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके उसके बाद जनरल कॉल लोग जो है इसमें कोई भी फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर देते हैं। तो क्या होता है, कुछ ऑप्शन अलाउ करने का मांगता है, तो हम लोग अलाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग अलाउ पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करने के बाद यहाँ पे जो भी रहता है कॉल हिस्ट्री मेरा, जितना दिन का भी कॉल हिस्ट्री रहता है, एक साल का जो मतलब एक साल के 6 महीने 3 महीने जितना दिन का रहता है यहाँ पे शो हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से समझ जाते हैं कि मेरा कॉल हिस्ट्री है कोई और निकाल लेगा। तो यहाँ से हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ से कोई डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होता है, जो कि यहाँ से हम लोग कोई कॉल हिस्ट्री डिलीट यहाँ से नहीं कर सकते। तो सिंपली से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको एक बात बता देते हैं कि जो एक कॉल हिस्ट्री है बिल्कुल जो हम लोग को फ़ोन डायल में रहता है मिस कॉल रिसीव कॉल मेरे फोन में जो शो होता है उसी को यहाँ पे दर्शाया जाता है, उसी को यहाँ पे दिखाया जाता है। अगर आपको ये बात को विश्वास नहीं है तो आप लोग कोई भी नंबर इसमें डायल करके उसको डिलीट करके उसमें यूट्यूब वीडियो एप्लीकेशन से आप लोग कॉल हिस्ट्री निकालिएगा, नहीं निकलेगा। किसी दूसरे का भी आप लोग कॉल हिस्ट्री निकालिएगा तो वहाँ से नहीं निकलेगा। बिल्कुल वो एप्लीकेशन जो है फ्रॉड है, जो कि वही काम करता है जिस फ़ोन में उसको इंस्टॉल कीजिएगा उसी नंबर में जो इसमें जो अभी डायल किए होंगे वही नंबर उसमें निकलेगा, जो कि आप इस नंबर को अगर डिलीट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम परमानेंटली इसको टोटल यहाँ से अपना कॉल हिस्ट्री जो भी है मेरा यहाँ से क्या करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं। या जो भी पासवर्ड है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे ऑलरेडी यहाँ पे जो भी मेरा डायल कॉल था यहाँ पे टोटल हम डिलीट कर दिए हैं। डिलीट करने के बाद मान लीजिए हम 198 यहाँ पे डायल 198 यहाँ पे डायल कर दिए, तो जो 198 यहाँ पे डायल किए वही वहाँ पे देखने को मिलेगा यूट्यूब पीडीएफ में। मेरा टोटल हिस्ट्री जो है यहाँ से डिलीट हो गया होगा। आप लोग चलिए यहाँ पे वीडियो को देखते हैं। जैसे हम इसको क्लिक किए, क्लिक टू कंटिन्यू जनरल कॉल लोग यूट्यूब पीडीएफ, एक सेकेंड यहाँ पे हम कोई फाइल नाम दे देते हैं, उसके बाद यूट्यूब पी डी एफ। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे जो कॉल हिस्ट्री में रहा है यहाँ पे टोटल कोई यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे कि जो भी यूट्यूब पी डी एफ अप्लीकेशन से यहाँ पे मतलब कॉल हिस्ट्री जो देखने को हम लोग को मिलता है ये फ्रॉड है, बिल्कुल फेक है। यहाँ पे जो फ़ोन में रहता है वही यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 198 जो डायल किए थे, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे यही नंबर शो रहा है। तो आप लोग इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, जो यूट्यूब वीडियो एप्लीकेशन है बिल्कुल फेक है। अगर आप लोग अपना कॉल हिस्ट्री जो फ़ोन से अगर आप लोग फ़ोन से इसको डिलीट कर देते हैं तो कोई इसको बैकअप नहीं कर सकता, नहीं कोई कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं, जो कि ये जो काम है ये पुलिस का ही काम है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।